Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। और मुझे नहीं पता है कि मलिष्का कहाँ है। सबूत मिले या ना मिले, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा और उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ और मैं बेकसूर। यू तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं मेरे, तो ये ज्ञान उससे बांटो जिसे इसकी जरूरत है। मुझे नहीं अंडरस्टूड। और एक ना एक दिन नहीं, सच सामने लाने के लिए तुम्हारे पास कुछ ही वक्त है। सच खड़ा करने के लिए या फिर खरीदने के लिए, जो भी, और वैसे भी कुछ ही समय में सबके सामने ये बात आई जाएगी कि तुम कितनी चलाक, कितनी झूठी और कितनी बुरी हो। एंड वन मोर थिंग लक्ष्मी, मलिष्का इस घर की होने वाली बहू है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना कोई और करे या ना करे मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इस घर में तो रहने ही नहीं दूंगी तुम्हें, याद रखना। क्यों तुम हो गया? हाँ कसम, ओरिजिनल वाले तो अंकल जी ने कैसे नहीं पहचाना तुम्हें? हैं? भूत नहीं लग रही तुम? इसलिए चले गए अंकल जी, किचड़ को तो छोड़ देती, उसका फायदा उठा लिया, मुंह पर थोप दिया सारा का सारा। गुस्सा क्यों हो रही, क्या हो गया? बच तो गई अब, चले गए बुड्ढा बुड्ढी। मैं भी तो इतनी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, कुछ हुआ क्या? गुस्सा नहीं होता, कोई बात नहीं। और सुनो, मेरी ना चिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी, जैसे अंकल जी, मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। सारी बत्ती फ्यूज, तुम्हारी बत्ती जल गई, मान गए तुम्हें। अगर मैं पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा, और वीरेंद्र अंकल के सामने से बाहर जाने का ट्राई किया तो बच ही नहीं सकती हूँ। क्या करूं, कैसे बचूं? गॉड, क्या दिन आ गए मेरे। सब कुछ उस लक्ष्मी की वजह से। हद कर गई लक्ष्मी, अभी अंकल पकड़ेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। हमें बात तो सुन ले। शट अप, जस्ट शट अप। तुम होगे कीचड़, तुम और तुम्हारी वो घटिया लक्ष्मी, तुम दोनों हो कीचड़। ठंडी दो कौड़ी के लोग सड़क छाप गवार करके लक्ष्मी की वजह से दोबारा मेरा मुंह काला हुआ, दोबारा बलवंतर जनता जला दूंगी मैं से। सुनो, मैं समझ रहा तुम्हारा गुस्सा, पर मेरे पे क्यों चिल्ला रही तू? मेरे पे गुस्सा निकालने से कुछ होगा? मैंने कहा कि वीरेंद्र अंकल जी को अंदर आ जाओ। उनका तो नाम मत लेना मेरे आगे। सुनो, नहीं क्या बोला मैंने? हाँ ना, क्या बोला? नहीं सुनो, ये मलिष्का चाहे खुद आके क्यों नहीं बोले कि लक्ष्मी ने मेरा किडनैप किया, फिर भी नहीं मानेंगे। अरे तो भाड़ में जाओ यार, जाओ, मत मानो, बना दो उसको देवी। ऐसा बोल रहा बुड्ढे ने? ऐसा बोल के गए जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अरे जो है ना इन सब के लिए, ये सिर्फ लक्ष्मी है, वो दो कौड़ी की औरत इन सब के लिए सब कुछ है। उस लड़के की वजह से आज मुझे बेकारन बनना पड़ा। अरे बेकारन होगी वो खुद, शक्ल है किया उसकी, दो कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे ऋषि की पत्नी बन गई है। ठीक है, इसने मेरा ऋषि छीना है ना, मैं इससे इसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी, इसका सब कुछ छीन लूंगी बलविंदर। इसकी वजह से आज फिर से मेरा मुंह काला हुआ है ना, मैं इसको जिंदा जला दूंगी। अब डरे क्यों? कैसे लोग हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम यहाँ बंदी पड़ी, यहाँ मरी पड़ी, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? बताओ, तुम जैसे आदमी तक को दिखाई देता, लेकिन ये लोग, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध के बैठे हैं लक्ष्मी के नाम की। बट इनफ यार, इनफ इज इनफ नाउ। बहुत हो गया इन सबका नाटक और इस लक्ष्मी का नाटक। बहुत परेशान कर लिया लक्ष्मी तुमने मुझे, लेकिन अब जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो लक्ष्मी तुम भी फील करोगी। जो सब मेरे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे साथ भी होगा। मेरा ऋषि छीना ना तुमने, हाँ? अब तुमसे तुम्हारा ऋषि, सुख, चैन, सब कुछ छीनूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। मेरा मुंह काला करवाया इस औरत ने, अब मुंह काला तो तेरा होगा लक्ष्मी। कैसे बात कर रही, क्या कुछ भी बोल रही है? तुम कौन होते मुझसे सवाल करने वाले? हाँ
कौन हो तुम? बड़ी सड़क छापने वाली, चुपचाप जैसा कहती हूँ ना मेरा काम करता जा, समझा? बात कैसे कर रही तुम? ऐसी बात करूंगी तुमसे मैं, क्योंकि तुम्हारी औकात भी ऐसी ही है, समझे तुम? अपना काम खुद कर लो, एक काम करो, अब नहीं करता मैं, जाओ। ब्लडी ब्लैकमेलर, जा मत कर, मत कर मेरा काम, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना इसमें, क्योंकि बलविंदर जो मेरा ये काम करेगा ना उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम्हारी अम्मा ने भी कहा था मेरे घर आके मुंह मांगी कीमत दूंगी, 4 लाख रुपए पकड़ा के चली गई, दूंगी मुंह मांगी कीमत दूंगी, लेकिन सिर्फ उसको जो मेरा ये काम पूरा करेगा। अब अगर तुमने कर दिया तो तुम्हें दे दूंगी मुंह मांगी कीमत। सोच लो बलविंदर, इतने पैसे दूंगी ना कि 1 लक्ष्मी क्या 1000 लक्ष्मियां खरीद सकते हो तुम। ठीक है तो 1 लक्ष्मी छोड़ दी, बाकी बची 999 खरीद लूंगा, काम बोल लो क्या करना। ग्रेट, तो जाओ जाकर लक्ष्मी को लेकर आओ, जाओ और जाकर अभी लक्ष्मी को मेरे सामने लेकर आओ। सुखे नशे कर रखे क्या? नशे नहीं बलविंदर, होश में बोल रही हूँ, अभी इसी वक्त जाओ और लक्ष्मी को लेकर आओ मेरे कदमों में, क्योंकि अब लक्ष्मी मेरा एक नया रूप देखेगी। नया रूप तो मैंने भी देख लिया मलेश का आज। ठीक है अभी जाऊंगा लक्ष्मी को लेके आऊंगा, पर मजाक बहुत होगी, पैसे लूंगा इस बार पूरे 999 लक्ष्मी के। किरण आई अंडरस्टैंड, तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है पर तुम अकेली ऐसी जगह, इट्स नॉट डन, सेफ नहीं है ये। इनफैक्ट यू नो मुझे लगा कि किडनैपर्स ने तुमको यहाँ बुलाया इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलाया ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच भाई साहब। अपना ख्याल रखना प्लीज। एक्चुअली तुम अभय को बोल सकती थी, ऋषि को बोल सकती थी, पुलिस को फोन कर सकती थी ना। आई नो एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट यू नो मैंने उस लड़की को देखा ना तो बस मुझे कुछ ख्याल नहीं आया, मैं उसके पीछे पीछे चली गई। और आपको पता है ना वो भिखारन निकली, मलिष्का तो थी नहीं वहां पर, माँ हूँ ना, आप समझ सकते हैं। नहीं नहीं हाँ आई अंडरस्टैंड, पर तुम चिंता मत करना, मलिष्का जहाँ भी होगी घर आ जाएगी। आई होप सो। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं मेरी गाड़ी शायद तैयार हो गई होगी, ड्राइवर ने रेडी कर दी होगी, यू प्लीज कम। ओके। यू आर डेड लक्ष्मी। यस छोड़ूंगी नहीं आज मैं तुम्हें, चाहे जो हो जाए। जी कहते थे कि इंसान बुरा नहीं होता, वक्त इंसान को बुरा बना देता, यही सोचकर मैं बार बार मलिष्का को माफ करती रही, उसे दोस्त भी बना लिया था मैंने, पर मलिष्का मैं जानती हूँ मलिष्का मुझे और ऋषि को अलग करना चाहती, और ये नहीं बर्दाश्त होता मुझसे और होगा भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।